Hello, my dear viewers. Welcome back once again to your own channel, Prasenjit Sadhu Maths. आज हम क्लास 9 के इनइक्वालिटी से द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आए हैं. ये थ्योरम भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लास्ट थ्योरम बोले थे वो प्लेलिस्ट में होगा, प्लेलिस्ट में देख लेना. द सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन द थर्ड साइड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. इस थ्योरम में क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड. अब प्रीवियस थ्योरम में किए थे द सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, बट इसमें करेंगे डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड लेस देन द थर्ड साइड. अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मान लेते हैं कि बीसी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल थ्री साइड्स. बीसी सबसे बड़ा है, एसी उससे छोटा है और ए बी सबसे छोटा है. तो हम उस हिसाब से अरेंज करके आरटीपी लिखेंगे. तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ, नंबर वन, बीसी माइनस ए सी लेस देन ए बी. नंबर टू, ए सी माइनस ए बी लेस देन बी सी. एंड नंबर थ्री, बी सी माइनस ए बी लेस देन ए सी. अब यहाँ पे जब ए बी सबसे छोटा है तो ए बी डेफिनेटली बाद में ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंस मीन्स यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. सो बी सी माइनस ए सी पॉजिटिव होगा, ए सी माइनस ए बी भी पॉजिटिव होगा और बी सी माइनस ए बी पॉजिटिव. सो इस ऑर्डर में लिखिए. अब इसके ऊपर नेक्स्ट हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब ए बी सबसे छोटा साइड लिए हैं और बी सी सबसे बड़ा है और ए सी मीडियम है, दैट मीन्स हम ए सी से कोई एक पॉइंट यहाँ पे डी काट सकते हैं, सच दैट ए बी इक्वल टू ए डी हो जाएगा. उसके बाद बी डी ज्वाइन कर देंगे. हो गया, यही कंस्ट्रक्शन था. तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं. फ्रॉम ए सी काट ए डी इक्वल टू ए बी फुल स्टॉप ज्वाइन बी डी. ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन. अब प्रूफ में आते हैं. प्रूफ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एंगल नंबर वन मार्क कर लेते हैं, ये मार्क कर लेते हैं नंबर टू, दिस इज नंबर थ्री एंड दिस इज नंबर फोर. ये चारों एंगल को मार्क कर लिए. सो फर्स्ट इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव ए बी इक्वल टू ए डी, बिकॉज यहां पर कंस्ट्रक्शन किया है ए बी इक्वल टू ए डी. सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल वन इक्वल टू एंगल टू नंबर वन. सपोज ये नंबर वन मार्क कर दी. नाउ हम जो फर्स्ट थ्योरम था उसमें बोले थे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. दैट मींस अगर हम बी सी डी ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर, दैट इज एंगल टू इज ग्रेटर देन एंगल फोर एज वेल एज एंगल सी, ये दोनों से ग्रेटर होगा. सो वही करेंगे. सो इन ट्रायंगल बी सी डी वी हैव एंगल टू इज ग्रेटर देन एंगल फोर. रीजन है एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर देन ईच ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. अब इस लाइन के बाद हम लिख सकते हैं एंगल टू और एंगल वन इक्वल है, तो एंगल टू को हम एंगल वन से रिप्लेस कर सकते हैं. सो दिस इंप्लाइज एंगल वन इज ग्रेटर देन एंगल फोर, दिस इज नंबर टू हो गया. इसको लिख दिया फ्रॉम वन, वन से ये रिप्लेस करती है. अब वन मोर ट्रायंगल यू नीड टू कंसीडर, दैट इज ए बी डी अगेन. इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी ट्रायंगल अगर कंसीडर करेंगे तो थ्री हो जाएगा एक्सटीरियर, थ्री एक्सटीरियर हो जाएगा
और 1 और 4 एंगल ए हो जाएगा इंटीरियर. सो सिमिलर रीजन एक्सटीरियर इज ग्रेटर देन ईच ऑफ अपोजिट इंटीरियर. सो एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 1 हो जाएगा. एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1. यहां पे सेम रीजन होगा. यहां पे जो रीजन डाले इसमें भी सेम रीजन होगा. सो इसको हम मार्क कर देते हैं नंबर 3. अब 2 और 3 को कंबाइन करके लिखते हैं. तो फ्रॉम 2 एंड 3 From 2 and 3, we have angle 3 greater than angle 1. ये 3 से है और 2 से है. Angle 1 greater than angle 4. That means इसको लिख सकते हैं greater than angle 4. So from this we can write angle 3 is greater than angle 4. अब in triangle BCD, angle 3 के opposite side है BC. एंगल 4 के ऑपोजिट साइड है CD. सो यहां से हम लिख सकते हैं दैट इज BC ग्रेटर देन CD. बिकॉज़ हम जानते हैं साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. सो एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 4 है तो एंगल 3 का ऑपोजिट साइड एंगल 4 के ऑपोजिट साइड से ग्रेटर होगा. अब इस लाइन के बाद BC ग्रेटर देन CD को हम लिख सकते हैं AC माइनस AD. तो CD को रिप्लेस कर सकते हैं AC माइनस AD. नाउ आफ्टर दिस AD एंड AB इक्वल के कंस्ट्रक्ट किए हैं. AB इक्वल टू AD कंस्ट्रक्शन से लिए थे तो AD की जगह हम AB रिप्लेस कर सकते हैं. सो दिस इंप्लाइज BC ग्रेटर देन AC माइनस AB. सो इसको रिवर्स कर देते हैं. सो रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा AC माइनस AB लेस देन BC. ये आ गया तीनों में से जो प्रूफ था. तीनों में से एक प्रूफ यहां पे आ गया. अब बाकी तो जो था वो तो नॉट प्रूफ नहीं करेंगे, उसको सिमिलरली लिखेंगे. सो सिमिलरली वी हैव BC माइनस AB less than AC and BC minus AC less than AB. So BC minus AC less than AB and BC minus AB less than AC. ये दोनों similarly prove कर सकते हैं. तो इसको और prove करने की ज़रूरत है नहीं हमें. तो similarly ये prove हो जाएगा. Hope this theorem is clear to you. अगर कुछ डाउट है तो हर बार की तरह सेम ही बोलेंगे. कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो तो उसको क्लियर कर देंगे हम. जाने से पहले इफ यू कम फर्स्ट टाइम इन माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन ताकि आगे का सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे. एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स. वी विल मीट अगेन वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.